टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जयपुर के ग्राउंड पे पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जिसको भारतीय टीम ने 5 विकेट के बड़े अंतर से जीता, इतिहास रचा। वहीं दोस्तों दूसरा मुकाबला कुछ समय में अब स्टार्ट होने वाला है, मगर रोहित शर्मा ने पूरी टीम को चेंज कर दिया है, जिसमें 4 नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। केएल राहुल सहित बड़े दिग्गजों को टीम से बाहर कर दिया है। अब भी जानना चाहते हो आखिरकार रोहित शर्मा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, पहला टी20 मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जयपुर के ग्राउंड पे खेला गया, जिसको भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीता। पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 164 रन बनाए और भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 2 गेंद शेष रहते हुए 166 रन बना दिए और 5 विकेट के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीता। और अब दूसरा टी20 मुकाबला स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले रोहित शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, यानी कि मैं, रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे और केएल राहुल बाहर हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा खिलाड़ी है ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव की जगह पे ईशान किशन को मौका मिल सकता है। और वहीं तीसरा खिलाड़ी है मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। और वहीं चौथा खिलाड़ी यजवेंद्र चहल की भी वापसी हो सकती है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दूसरे टी20 मुकाबले को कौन जीतेगा।